आयत क्षेत्र और वर्ग क्षेत्र का क्षेत्र, ठीक है। ये चैप्टर में सीखेंगे आयत क्षेत्र और वर्ग क्षेत्र का क्षेत्र। ये चैप्टर नंबर 17 है, क्लास 7। चलो करते हैं। सबसे पहले आयत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किसको आयत क्षेत्र बोलते हैं? इसका देखो, एक ये दोनों विपरीत भुजा बोलते हैं इसका, ये दोनों विपरीत भुजा, ये दोनों बराबर होता है। पहला याद रखना कि दोनों विपरीत भुजा बराबर होता है। अब ये है वर्ग क्षेत्र, ठीक है। वर्ग क्षेत्र इसका चारों भुजा क्या होते हैं? इसका चारों बराबर, इसका आमने सामने बोल सकते हैं या विपरीत बोल सकते हैं, बराबर। आमने सामने बराबर या विपरीत बराबर। अच्छा आया थी, ठीक है। आमने सामने बराबर आयत का यह वर्ग, वर्ग आयत। अब इसका हम कुछ फॉर्मूला को जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं परिसीमा, इसका भी ले लेते हैं परिसीमा। ऐसे तो हम लोग को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। लेकिन सवाल में कभी कभी आपको परिसीमा देके बोलेगा क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे निकालेगा? तो परिसीमा क्या होता है देखो, ये परिसीमा मतलब होता है यहां से शुरू करेंगे, इसको नापेंगे, फिर इसको नापेंगे, फिर इसको नापेंगे, फिर इसको नापेंगे, पूरा चारों तरफ। तो लंबाई कितना बार, इसको अगर लंबाई बोला जाए, इसको अगर चौड़ाई बोले, तो लंबाई को कितना बार मापे? चौड़ाई को दो बार। तो दो बार मापेंगे किसको? लंबाई को। और दो इसको मापना हो तो कैसे मापेंगे? यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार मापे तो चार मापे, क्या मापे? इसको भुजा बोलेंगे, इसका भुजा है, चारों बराबर है, इसको लंबाई भी बोल सकते हैं, चौड़ाई बोलेंगे, चौड़ाई बोलेंगे, लेकिन एक जैसा होना है। परिसीमा निकल गया। अब निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें समय याद रखना है, लंबाई और चौड़ाई का गुना होता है क्षेत्रफल, ठीक है। किसी भी 2D, इसको बोलते हैं 2D इमेज, ठीक है, टू डायमेंशन, इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, टू डायमेंशन, और लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? थ्री डायमेंशन, ठीक है। किसी भी 2D में क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? थ्री डायमेंशन भी रहेगा तो भी वही होगा, लेकिन उसको अलग तरीका से निकाला जाता है, अलग अलग प्रोसेस है, आपको हम बता देंगे, स्टेप समझ में आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है, हाँ, क्षेत्रफल मतलब बोलेंगे इसके अंदर का एरिया, अंदर का एरिया क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और बाहर वाला लाइन को क्या बोलते हैं? परिसीमा। बाहर वाला लाइन को क्या बोलते हैं? परिसीमा। अंदर वाला के भाग को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुने ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्यों किए इसको समझने के लिए आप समझ, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये आपका चारों बराबर रहेगा और आमने सामने बराबर रहेंगे। परिसीमा होता है दो, लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसका परिसीमा होता है चार गुने भुजा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई और वर्ग। आयत और क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है? आयत चित्र का नाम। क्षेत्रफल जो अंदर का, क्षेत्रफल उसके एरिया कितना कवर कर रहा है, और ये तो वर्ग। समझ में आ गया या तो कोई दिक्कत? आराम से क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई दिया हो तो क्षेत्रफल निकालेंगे, परिसीमा दिया हुआ तो क्षेत्रफल निकाल लोगे। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग करके निकाला जाता है।
बनाकर देखे 17, क्वेश्चन नंबर कितना था 4। 4 नंबर क्वेश्चन बना रहा है, बोला कि मेरा एक पन्ना है, हम पन्ना लिख दिए यहाँ पे, सबसे पहला पन्ना का ड्रॉ कर दिए। अब पन्ना क्या बोला है, लंबाई कितना है इसका पन्ना का 15, चौड़ाई कितना है 12, तो पन्ना का क्षेत्रफल कितना होगा, पंद्रह गुने बारह कितना हो जाएगा 180 वर्ग मीटर। पन्ना का सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो पन्ना का क्षेत्रफल क्या निकला, 15 गुने 12 180 वर्ग सेंटीमीटर। अब बोला है कि लाइन बनाना है ऐसे, 2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के, इधर से 2 छोड़ेंगे, इधर से 2 छोड़ेंगे, तो कितना छोड़े 12 में से, ये 12 था, ये कितना था 15 था, 12 था, ये था 15, तो ये जो छोड़े दोनों बराबर, ये वाला लाइन क्या होगा, 15 में से इधर से 2 घटेगा, इधर से 2 घटेगा, तो कितना घटेगा 15 में से 4 घटेगा ना, दोनों बॉल से 2, मतलब 15 में से 4 घटा, कितना हो जाएगा, इस यहां से यहां तक दूरी क्या हो गया 11। यहां लिख देंगे मार्जिन छोड़ने पर दो सेंटीमीटर, बोला ना दो सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर मार्जिन छोड़कर लंबाई क्या हो जाएगा, 15 में से 2 बार घटाएंगे, 15 - 4 = 11। अब 12 में से भी कितना छोड़ना पड़ेगा, इधर इधर चौड़ाई कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा मार्जिन छोड़कर, मार्जिन छोड़कर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 88। अब बोला है मार्जिन छोड़कर क्षेत्रफल निकाल दिए, मार्जिन कितना दिया उसका क्षेत्रफल, मार्जिन का क्षेत्रफल क्या होगा, मार्जिन का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो टोटल इतना था, इतना मार्जिन छोड़कर है, मार्जिन का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे कितना आएगा, 180 से 88 को घटाना है, कितना आएगा 90। आपको बोला है मार्जिन का कितना है क्षेत्रफल, ये भी निकालना है और मार्जिन का क्षेत्रफल भी निकालना है, मार्जिन छोड़ के क्षेत्रफल निकालना है और मार्जिन का भी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल, वर्गाकार जमीन दे दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है 6400 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है, लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर 6400 वर्ग मीटर। अब क्या बोला है कि प्रति मीटर 3.50 रुपया खर्च करने पर करके जमीन के चारों तरफ बेड़ा लगाने में कुल कितना खर्च आएगा। तो पहले बेड़ा लगाना है चारों तरफ, चारों तरफ बेड़ा लगाना है, इसका मतलब चारों तरफ बेड़ा लगाने का मतलब क्या हुआ, सवाल है, देखो सवाल है 7 नंबर सवाल, वर्ग दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 6400, लेकिन अब बोला क्या है बाउंड्री लगाना है ऐसे बेड़ा चारों तरफ, चारों तरफ बेड़ा लगाना है, तो क्या करना है बाहर या भीतर बाउंड्री लगाना है, बाहर से क्यों लगाना, बॉर्डर पे लगाना है, बॉर्डर पे बेड़ा लगाना है तो सबसे पहले भुजा का लंबाई निकालना पड़ेगा, तो भुजा के बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 6400, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 6400 का रूट, 6400 का रूट कितना होता है 80, भुजा की लंबाई कितना आया
80, तो परिसीमा कितना होगा, 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 80 कितना हो जाएगा, 8 चौके 320 कितना आएगा, 320 मीटर परिसीमा आएगा, 320 मीटर, भुजा निकला 80। अब क्या बोला है, 1 मीटर में कितना खर्च होता है, 3 रुपया 50 पैसा, 1 मीटर में खर्च 3.5050 रुपया खर्च होता है, कितना खर्च होता है, 3.50 रुपया, कितना में कितना खर्च होगा, तो कुल खर्च बराबर, कुल खर्च कितना होगा, 320 गुना 350 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा सवाल इसी तरह का है, कहीं में सवाल दिया रहेगा खाली समझ के निकालना है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, वर्ग दिया है ना आयत दिया है, ठीक है, कितना छोड़ने बोला है कितना जोड़ने बोला है, खाली इसको ख्याल रखेंगे बन जाएगा, ये सवाल थोड़ा हो जाएगा तो आपका 17 नंबर खत्म, और कुछ डाउट होगा तो फिर पूछ